नजब कुल्ली कत्ल करके भगा दिया यहाँ से। बिल्कुल, यानी कि अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार को नहीं करी। तो भाई यो पिलंग है, उछल का बैठना पड़ा है। युवा पिलंग है, बंगला नाम क्यों है? वो तो गांव में चौपाल होया करें, इसी परस होया करें। बंगला नाम क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों की छाती में मुक्का मारने का काम करा था तो नाना गांव वाले ने कहना है गरीब की बार शर्त मत लगाइयो, थोड़ा घियोर खागास कहां शर्त मत लगाइयो। भाई शर्त तो हम ही कंधे को नहीं और जद्दी नाम लाया करते। हम तो सिर्फ अत्याचार के विरुद्ध लड़ते हैं। हम पठाइयो भाई, थोड़ा कई आदमी ने मिलकर ठाना पड़ा है, लेकिन बोलू भाई ने एकला न ठहर गए। और यू तो भाई फिलहाल गांव दनाना में हम पहुंच गए हैं, और राठी खाप का जो मान सम्मान होया है अड़ाई पाछे, शुरू में तो ऐसा लगा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मामला जाकर नहीं न्यू मामला बनेगा, लेकिन अड़े जो प्यार प्रेम देखने में मिला है। सबसे पहली बात तो ये जो बंगला है, कैमरा मैन वरुण रेड्डू तुम गुंगाई पर दिखा दे भाई, यू बंगला एक ऐतिहासिक बंगला है। और यू वो गाँव है भाई जो कदम अंग्रेजा का गुलाम को नहीं होया। गौरवान्वित करने वाली हैं तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस टाइम पे अंग्रेजों का गुलाम था पूरा देश और लगान दिया कर दे तो यू माल भी नहीं दिया। हाँ अच्छा जी, हाँ 7 साल माल नहीं दिया अंग्रेजा ने। बिल्कुल, और नजब कुल्ली बिल्कुल कत्ल करके भगा दिया यहाँ से। बिल्कुल, यानी कि अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार को नहीं करी। और भाई उसे गाँव में फिलहाल जो है जो जयंत भाई है जो पहुंचा था 250 साल पुराना जो इनका पिलंग है वो एकला ने ठहर गए और इस बंगले तक बाहर काट दिया, चैलेंज एक्सेप्ट करिया। और भाईचारा में जो, क्योंकि अपना हरियाणा जो हो दमखम वाला प्रदेश है, बोले दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा, तो भाई इव जो आपस में मिल बैठ कर गण घस खाप और राठी खाप ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। कैमरा मैन ती कुंगा पर चकुरते के दृश्य दिखा दे, गाँव ने भी दिखा दे भाई। सबसे पहले तो जयंत की तारीफ करी है गाँव ने, अग भाई बहुत बढ़िया काम करया। उसका गेला गेला लबतोड़ा हूँ रानसी ले ले, सोशल मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है गणगस खाप है जो, तो बताओ जी जो आजकल वीडियो वायरल हो जाए जी, और उस वीडियो वायरल में कोई ऑथेंटिक पर्सन को नहीं होता कई बार, और जोश में होश खो के किमें कह दे हैं, तो उसका उसे जोश में भाई पहुंचा है। देखो भाई ने अपना दमखम भी दिखाया है, शहबासी भी ली है, और जो ताकत की भी गुणगान करते हैं, इसकी बड़ाई करते हैं, हम इसका सम्मान करते हैं। चलो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, सम्मान करते हैं। तो सोशल मीडिया पर जो यू घूमे है मामला, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जी? कई बार ये जो वीडियो बना के मोबाइल गेल गेर दी, बताऊं जी ये जो छोटी मोटी हटके तो करे नहीं बालक। हाँ। ये नहीं पता नहीं जी, सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी रखनी चाहिए या बिल्कुल, उस तो अपनी हरियाणवी जो संस्कृति है भाई, कई बार वह भी दाव पर लायक जी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गण घस खाप और राठी खाप जिस ढंग से आड़े मिलन सारी नजर आई, और जैसे ही जयंत भाई वो लाड़ पेर वाला नाम की अपना बोलू जी गांव में पहुंचे भाई, तो एकदम एक बार तो पूरे गांव में सन्नाटा था, लेकिन भाई थोड़ी अनपात से आड़े हुक्का पानी चाय पूरी व्यवस्था, क्यों जी बोलू भाई? हाँ बिल्कुल, बहुत मान सम्मान रखा है पूरे गांव के गांव ने हमारा, और जो भी फैसला है दोनों पंचायत का हमने वो मंजूर है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके पिताजी कितने हैं? पिताजी आओ जी, और सीट पे आओ जी, आओ आज क्या नाम है जी आपका? जगबीर राठी। तो जगबीर जी गाँव में आया, पहले तो नहीं बताओ आप दनाना गाँव में पहुंचे तो कैसा लगे आपने? देखो जी सबसे पहली बात तो ये है, मैं पहली बार इस गांव में आया, काफ़ी बार इस गांव का नाम सुना था जी, और जो मैंने सुना था उससे अच्छा ही मिला, मैंने बड़ा मान सम्मान मिला, बड़े सूझबूझ समझदार सामाजिक गांव मिला। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये गांव दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसमें सदा खुशी आबादी बनी रहे। चलो बहुत बढ़िया, और जो पंचायती फैसला जो होया है वो और पूछवा दे भाई। भाई ये बच्चों ने सत लगा दी थी, एक पलंग है 4 फुट का और 7 फुट लंबा और 2.5 क्विंटल से भी ज्यादा वजन है उसमें, और वो उसने बोलू भाई ने उठा दिया पहलवान ने। बिल्कुल, और उन्होंने कहा था भाई शर्त लगा दी हम इतने पैसे दे देंगे, लेकिन गांव वालों को पता नहीं था। बिल्कुल, अब समझौता हो गया भाई, हम गांव वाले इसको चद्दर उड़ा के सम्मान करते हैं हम 11,000 से, और बोलू पहलवान ने भी और उनके गांव वालों ने पंचायत ने 1100 रुपए ऊपर दे के और बंगले में ही दे दिया और सम्मान दे दिया हमें इस बात पर। बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, हम दोनों भाइयों दोनों पंचायतों को भाईचारे को हरियाणा में ऐसा ही माहौल चाहते हैं कि
मान सम्मान एक दूसरे का करें, आदर सम्मान करके और बड़े प्रेम प्यार से रहें। ये देखो भाई, ये जो 11000 से इनको सम्मान करे, इसे बात पे भाई जोश आण दो। जय जवान जय किसान। थोड़ा जोर तर है, बड़को तम की तो होता रहा, जोश की दे। हां मारो। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और जय धनाणा काम। वाक्य में जो है प्यार की मिसाल, और जो इन्होंने एक्सेप्ट करया है लाड़ प्यार से, इस इनाम को स्वीकार करया है, तो बोलू भाई किसा फील कर रहे हो जो मान सम्मान गांव में मिला है? भाई साहब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा मान सम्मान हमने आड़ मिला है, और हम ये रुपये वापिस है इसमें मिला दो एक बार। ये बहुत बड़ी बात है भाई, इनमें 1100 रुपये और मिला के, और ये जो है इस बंगला, और इस बंगला का थोड़ी एक दो बात और बता दी भाई, यू बंगला नाम क्यों है? ऊँ तो गांव में चौपाल होया करें, इसी परस होया करें। बंगला नाम क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों की छाती में मुक्का मारने का काम कर रहा था तो धनाणा गांव वाले ने, क्योंकि उस टाइम पर क्या परंपरा थी, वो बंगला केवल अंग्रेज बना सकते थे, लेकिन धनाणा गांव में अपने गांव में बंगला बना के, और भाई उनकी छाती में कील ठोकी थी अंग्रेजों की छाती में। न्यू बात है जी? हाँ जी, हाँ ऐसे ही है जी। 7 साल मार भी नहीं दिया था, अत्याचार के विरुद्ध हमेशा लड़ा है और लड़ता रहेगा। ये धनाणा गांव भाई प्रेम प्यार की एक बड़ी मिसाल है। चलो ये बहुत बड़ी बात है, तो ये बहुत दुर्लभ तस्वीरें है भाई। गांव में आपस में जो भाईचारा, प्यार, प्रेम था, या जो आज की जो पंचायत थी जिसमें की न्यू लागत था, अगर भी बहुत बड़ा मामला होगा, कैमरामैन थी कूंगा थोड़ा पास ही हो ले, उन बड़का तो ऊंचाई से पकड़े हो जाए एक बार। और ये देखो भाई 1100 रुपये लड़ा के, 11000 में 1100 रुपये और मिला के वापिस धनाणा पंचायत को दे दिए हैं। ये प्यार भरे दृश्य है। ये देखो भाई, ये लाड प्यार की वो दुर्लभ तस्वीरें हैं जो अपनी गामा की परंपरा में तो विलुप्त होगी हैं, तो ये अपनी खाप की परंपराएं हैं भाई। खाप पंचायतों का बहुत बढ़िया फैसला जो लिया गया है, ये फैसला तो हम लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। फिलहाल जो है हम एक बार वो पिलंग दोबारा फिर दिखा दें, बोलूँ पहले वन कहूँगा एक बार मर गिला हुआ है। आज भाई भीतर एक बार वो पिलंग दिखा दें, आज भाई आज। तो भाई यो पिलंग है, उछल का बैठना पड़ा है। युवा पिलंग है भाई, धनाणा गांव का यू पिलंग है, जो बोलू पहलवान ने यानी के जयंत ने, जयंत किस गया जयंत गांव का नाम और बता दे भाई। खरर गांव। खरर गांव कौन से जिले में पड़ा है? ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़े है, झज्जर जिले का गांव खरर। आजा भाई बैठ जा, कोई नहीं, आजा बोला देवी और सजनो। 9 करोड़ के लिए अगला सवाल, एक बात है बोलू, ये देखिए भाई इसके दिखाइए पाई, दिखा पाए पाई दिखा दे भाई, बोलू पर और इससे बड़े दो पलंग मिलवाण पालना की परिस में भी इससे बड़े। अच्छा अच्छा, हाँ धनाणा गांव में इससे भी बड़े हैं, और वो भी अंग्रेजों के टाइम से ही वहीं भर के बनाए थे और वहीं सिलाई की थी उनकी। अच्छा, गांव के ही कुछ एक मेरा कहना है, परीब की बार शर्त मत लगाइयो, थोड़ा की और खागास कहा। शर्त मत लगाइयो भाई, शर्त तो हम ही कंधे को नहीं, और जद्दी नाम लाया कर दे। हम तो सिर्फ अत्याचार के विरुद्ध लड़ते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं पूरा, और वो पहलवान है ना आप, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा घी खा के ठाओ तो वो भी ठा के दिखा दिए एक बार हमारे बड्डे प्रेम से। जीत क्या के जीत है, एक बार थोड़ा दोबारा और दिखा दो भाई। यह तो भाई इसके 22 शेर भी हैं देख लो, यह क्या कौन सी लकड़ी के हैं? सिस्टम के हैं, सिस्टम के नहीं, सिस्टम के तो यहाँ पाए हैं इसके भाई, ये साल की लकड़ी है की। जिसकी बाई है ना, जिनको चारों बताते हैं चारों पैर, वो साल के हैं, और कम से कम भी 1-1 फुट मोटे हैं बिल्कुल, और मिलवान पाना में भी इससे 1 फुट ऊंचे और 1/2 फुट लंबे चौड़े बिल्कुल। अच्छा, ईव तो यू सामान्य रस्सी के लिए बना रखा है, लेकिन पहले सणके के लिए सोनू भाई की दिखा, सोनू भाई को हम बताते हैं। सड़के हमारे मिलवाण पन्ना ही परिसमय है, और दो हैं इससे बड़े बड़े बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बड़े हैं कुरुक्षेत्र में। पुरातत्व विभाग वाले भी लेने आए थे, लेकिन हमने दिए नहीं भैया। पूरी PhD कर रहे हो आप तो, क्या नाम आपका? आवासिंग नाम है भैया, मैंने किताब भी लिखी है धनाणा की, ऐतिहासिक गांव धनाणा की, और चौधरी शीशराम नंबरदार की भी। बता वासिंग हवाले क्या भाई? नहीं है, हकीकत है ना, सही बात है, बहुत बढ़िया। गांव का इतिहास ले रहे हैं, बहुत सराहना है। अच्छा ताऊ जी, आपकी उम्र कितनी है?
84 से काम तो कितने साल पहले तो देख जान लग रही हो तो घने साल हुए तो आज गांव में पंचायत हुई बड़ा मजा आया राठी खाप पूरी उठ जाएगी ईशा नहीं सुने था न्या के भाई बड़े हौसला थे सोनू भाई तो अभी कुछ जानकारी है भाई पिलंग ने लेके सोनू भाई बताओ तो पहले सन के लिए पर रखा था यो है साहेब राता श्री यो बड़े बुजुर्ग ने बनाए उड़ा है अरे यो नहीं जो कर गुण लाग जा टेम के गल्ला यो जो कर कटवा दिया गया छोटा करवा दिया गया साइज छोटा हो गया और इसी शरीर ताली को बात कौन थी दो भाइयों ने मजाक कर दिया और उसकी शरीर बना ली सनगढ़ हो गया तो रखा था भर और बाकी शरीर सारी ताली बात को नहीं पुरानी धरोहर है राड़ दरी है इसका 27 किलो तो मैं तो भरिया 27 किलो सनते भरिया जा करता और इसमें 150 किलो से ज्यादा वजन होया करता थोड़े 100 ग्राम नून थोड़ा कई आदमियों ने मिलकर ठाना पड़ा है लेकिन बोलू भाई ने एकला ने ठहका है और यू बंगला बंगला तो बाहर काट दिया था एकला ने ऐसा है मुंह में मतलब शरीर ताली तो को बात को नहीं बस देखने की चीज आराम से देखो बैठो लोटो और ये शरीर सारी तलाण की चीज पे एक आधा भाई को मजाक कर दे उसने सीरियस भी ना लिया करो आप कैसा लगा मेरा मजाक मजाक ने सीरियस ना लिया करो भाई इसमें एक मजाक की उसते हैं दो गामा की पंचायत होनी पड़ी लेकिन वो भी अच्छी बात है भाई के गणगस खाप और राठी खाप ने प्यार तक बैठ के और चुटकिया में मामला सोल्व कर लिया मतलब इसको घना बड़ा विवाद को नहीं बन दिया और वाक्य में भैया धरोहर है गांव की दनाना गांव की धरोहर है ये और बोलू भाई ने जो इनाम की राशि थी उसमें 1100 रुपये और मिला के और ये जो पिलंग है इसको भी दोबारा हाँ भाई बात हो रहा है भाई तेरे दर्शका नुगे दिया बस शरीर सारी ताली बात सैनिक हो और देखण आ जा कोई आ जाओ देखण की चीज और आगे भी ना करियो भाई किसी और आगे भी देखो हरियाणा में कोई ऐसी शरीर तो वगैरह नहीं लगा हुआ कभी हमसे प्रार्थना मजाक नहीं कर हाँ बिल्कुल जो पंचायत में जो फैसला हुआ है वो बता दो धर्मेंद्र भाई कोई बात नहीं खुल के बताओ दर्शक सुनने लगे पंचायत में फैसला हुआ है कि ये जो या चुनौती दे रखी थी या खर रिया ने एक्सेप्ट कर ली बिल्कुल वो अपना भतीजा है जयंत तो उसमें ईब वो जो रशी मिला के ने जो धनाना गांव ने स्वागत कराया है तो उसमें मिला के ने जो भी रशी वहाँ बनी है वो उसमें खररिया का नाम लिखवा दे बोलो सनोब जगबीर खरर ये जो भाईचारा में फैसला लिया गया भाई तो ये लाइव तस्वीरें भाई और तामन्यू देख सको हो जो बोलू का दादा है उनका चेहरे पर भी स्माइल है हाँ जी खुश हो हाँ बिल्कुल खुश है कर दे भाई शेर मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।